इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा चर्चित रही हैं। इनमें से एक है राघोपुर की सीट, जिससे इस बार राजद के अध्यक्ष और उनके मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने अपना नामांकन भरा है। इस वीडियो में हम राघोपुर की सीट के बारे में ही बात करने वाले हैं। यहाँ मैं आपको ये बता देती हूँ कि राघोपुर की सीट को लालू यादव के परिवार की परंपरागत सीट कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1995 और 2000 में लालू प्रसाद यादव ने यहां से जीत हासिल की थी। 2005 में उन्होंने अपनी ये कुर्सी अपनी बीवी राबड़ी देवी को दे दी थी, जो भारी बहुमत से 2005 में इस सीट से विजय भी रही थी। लेकिन 2010 में माहौल कुछ बदल सा गया था और उस वक्त जेडीयू की तरफ से मैदान में उतरे सतीश यादव ने भारी बहुमत से जीत हासिल कर ली थी। लेकिन 2015 में ये सीट राजद की तरफ से तेजस्वी यादव को भेंट में दे दी गई थी। यहाँ मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ 2015 का वो माहौल, जिस वक्त तेजस्वी यादव ने इस सीट से अपने लिए जीत हासिल की थी। उस वक्त बिहार में राजनीतिक दलों के समीकरण कुछ अलग से थे। 2015 में जेडीयू और आरजेडी एक साथ होकर चुनाव के मैदान में उतरी थी। इसीलिए अब मामला ये है कि फिर से इस बार तेजस्वी यादव राघोपुर से मैदान में 2020 के ये हाल हैं कि राजद की तरफ से तो तेजस्वी यादव ही इस सीट पर उतरेंगे और इस बार भाजपा की तरफ से सतीश यादव मैदान में दिखाई देंगे। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि राघोपुर की सीट ही वो सीट है जिसकी वजह से राजद और रघुवंश बाबू के बीच में मतभेद होना शुरू हुए थे। राजद लगातार रामा सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करने की बात कर रही थी क्योंकि उससे उन्हें राघोपुर की सीट में फायदा होता और रघुवंश बाबू इसके सख्त खिलाफ थे। रघुवंश बाबू के जाने के बाद रामा सिंह को तो टिकट नहीं मिली, लेकिन उनकी बीवी को टिकट जरूर दी गई है राजद की तरफ से। अब चलिए हम बात कर लेते हैं राघोपुर के वोट बैंक की। तो राघोपुर में यादवों का दबदबा तो है ही, लेकिन उसके अलावा निर्णायक वोट बैंक राजपूतों और दलितों को कहा जाता है। इस वोट बैंक पर राजद और जेडीयू दोनों की ही नजर है। तेजस्वी यादव आज नामांकन भरने के लिए बहुत सारे राजपूत नेताओं के साथ गए थे। ये भी शायद वोट बटोरने का ही एक तरीका है। इसके साथ साथ राघोपुर के 15% वोट ऐसे हैं जो मुस्लिम और पिछड़ी जातियों के आते हैं, और इस वोट बैंक पर भाजपा और जेडीयू अपनी नजर बनाए हुए हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और लालू यादव के ना होने की वजह से मुस्लिमों का वोट बैंक राजद के लिए थोड़ा कमजोर होता नजर आ रहा है। इस खबर में इतना ही। जैसे ही चुनाव से जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी, हमारा चैनल सबसे पहले उन्हें आप तक पहुंचाता रहेगा। आप स्क्रीन पर दिख रही जानकारी से हमारी टीम तक अपनी डोनेशन पहुंचा सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ सौम्या राठी। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।